हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आई हुई हूँ मुंबई और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर। तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। बस अब मेरे हस्बैंड ओला बुला रहे हैं, उसके आते ही हम लोग निकल जाएंगे सिद्धि विनायक मंदिर के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी गणपति बप्पा की। ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ कार में, ओला कैब आ चुकी है और बस हम लोग निकल चुके हैं सिद्धि विनायक जाने के लिए। और यहाँ धैर्य बैठे हुए हैं मेरे साथ। फ्रेंड्स, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ और मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी के बारे में भी कुछ बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। और यहाँ धैर्य की मस्ती चल रही है। और बस यहाँ देखिए बाहर का व्यू है, काफी खूबसूरत है। मुंबई आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। थोड़ा बिजी है रूट, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी फंसती है, लेकिन ट्रैफिक रूल यहाँ की बहुत ज्यादा अच्छी है। सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक रूल के हिसाब से चलती है। तो अब हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सिद्धि विनायक मंदिर। तो बस अब हम लोग कैब से उतर रहे हैं और बस उतर गए हैं। चलिए अब दर्शन कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं बस दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कुछ चेकिंग होती है, बैग वगैरह की चेकिंग होगी अंदर में, उसके बाद अंदर जाना होता है। आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो उसे भी देखिए जाके, सीडी का ब्लॉग है, काफी ज्यादा अच्छा है वो भी ब्लॉग। उसमें भी मैंने आप लोग का दर्शन कराया है साईं बाबा का। तो यहाँ बस हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ फूल माला की शॉप है, देख सकते हैं आप लोग। बस यहीं से हम लोग फूल माला प्रसाद वगैरह खरीदेंगे और फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर में आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। गणपति बप्पा वो मनोकामना पूर्ण करते हैं आपके। और बस यहाँ पे धैर्य के पापा फूल वगैरह खरीदेंगे, फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। तो फूल वगैरह खरीदा चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और ये है मंदिर, बाहर से मंदिर में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है बाहर से व्यू मंदिर का, इसके अंदर ही गणपति बप्पा हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी मंदिर देख लीजिए। अंदर मोबाइल ले जाना तो अलाउ नहीं था, मैं फिर भी आप लोगों को दर्शन कराऊंगी गणपति बप्पा की, फोटो से नहीं लाइव दर्शन कराऊंगी। और ये देखिए अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। और ये यहाँ मंदिर के अंदर भी कुछ शॉप है यहाँ पे फूल माला वगैरह की। तो अब बस मैं जा रही हूँ अंदर। काफी खूबसूरत मंदिर है गणपति बप्पा की, ये जो सिद्धि विनायक मंदिर है काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार भी आते हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। आप लोगों को भी मौका मिले तो आप लोग भी जरूर आए मुंबई गणपति बप्पा के दर्शन करने। तो बस अब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, इसके अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोग से दर्शन करने के बाद। तो अब मैं दर्शन करके निकल चुकी हूँ बाहर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं टीका लगाई हुई हूँ। धैर्य भी टीका लगाए हुए हैं, धैर्य ने ऐसे ऐसे सर हिला दिया था इसलिए उसे दो तीन जगह टीका लग गया है। तो बस दर्शन करके आ गई हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा गणपति बप्पा का दर्शन करके। और अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा की, मैंने तो दर्शन कर ली है। और ये रहे गणपति बप्पा, मुंबई वाले सिद्धि विनायक, प्रणाम कर दीजिए, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं ये। आप लोग भी अपनी अपनी मनोकामना मांग लीजिए इनसे। तो अब हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं, देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में क्या क्या ले रहे हैं। धैर्य की मस्ती चल रही है। ब्रेकफास्ट में हम लोग ले रहे हैं इडली सांभर और चटनी है नारियल की। तो आप लोग भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ।
आप लोगों को इडली सांभर कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स आगे मैं नारायण मंदिर भी गई हूँ, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। और यहाँ पे आ गया है ग्रिल्ड सैंडविच, ये भी काफी ज्यादा टेस्टी था यहाँ का, तो वो हम लोग अभी खा रहे हैं। आगे मैं नारायण मंदिर भी गई हूँ, वहां का भी वीडियो बनाया है मैंने। ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को उनका भी दर्शन मिल पाएगा। और ये देखिए धैर्य की मस्ती चल रही है, बच्चे के साथ कहीं भी जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, समझ ही में नहीं आता है उन्हें क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए होता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब लोग हम लोग निकल चुके हैं नारायण मंदिर के लिए। हम लोग नारायण मंदिर जा रहे हैं, महालक्ष्मी मंदिर भी है वहां पे। तो बस धैर्य यहाँ पे अपना रैन सुन रहा है कैब में और मैं बैठी हुई हूँ। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। और महालक्ष्मी मंदिर जाने के रास्ते में हमें हाजत अली दरगाह दिखा, तो आप लोग भी देख लीजिए, ये हाजत अली दरगाह है, यहाँ पे चादर चढ़ाया जाता है। यहाँ हम लोग नहीं गए थे पर रास्ते में दिखा था, तो मैंने क्लिप ले ली। और बस हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ का व्यू काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग बस पहुंच चुके हैं मंदिर, नारायण मंदिर। देख लीजिए कितनी खूबसूरत मंदिर है। यहाँ कैमरा ले जाना अलाउ था, तो मैंने यहाँ की क्लिप ले ली। और ये देखिए काफी खूबसूरत मंदिर है, धैर्य मस्ती कर रहा है, मुझे तो काफी खूबसूरत लगी ये मंदिर। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बस काफी ज्यादा खूबसूरत है ना, बाहर से और भी ज्यादा खूबसूरत है, बाहर से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। यहाँ के मंदिर के दीवार पे सब कुछ लिखा हुआ है, नारायण जी ने कब क्या कैसे किया, वो सब उनकी महानता का वर्णन किया गया है। यहाँ भी आप लोग आ सकते हो घूमने अगर मुंबई आओ तो। ये यह है यहाँ इस मंदिर का बाहर से व्यू, काफी खूबसूरत है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए इक्योरियम, मछली का घर। और ये देखिए ये है धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी का घर मुंबई में, तो आप लोग भी देख लीजिए, इसी के बारे में मैं बता रही थी। तो यही है उनका घर मुंबई में, काफी खूबसूरत है। मैं मिली नहीं हूँ, बस उनका घर देखी तो वही बताई थी, मिलने के ही बराबर है, मुझे तो बहुत खुशी हुई उनका घर देख के। और ये देखिए मैंने एक फोटो भी ले ली, मुझे तो बहुत खुशी हुआ यहाँ पे आके। और बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक्वेरियम। और इसके भी अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की मछलियां थी, बहुत अच्छी अच्छी पर कैमरा ले जाना अलाउ ही नहीं था, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं कैमरे अंदर ले जाऊं, परमिशन ले लूं, पर नहीं मिल पाया परमिशन, रूल है तो परमिशन कैसे दे सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 डालूंगी जल्द ही, आप लोग देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक